रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर मरीजों से कर रहे दुर्व्यवहार, शिकायत। युवाओं ने SDM को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग रखी है। राजनांदगांव डोंगरगांव स्थानीय सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था तथा अस्पताल में अस्थायी तौर पर पदस्थ महिला पुरुष MBBS डॉक्टरों द्वारा मरीजों व उनके परिजनों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरुद्ध नगर के युवाओं ने मोर्चा खोलते हुए SDM को ज्ञापन सौंप कर संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेडिकल से 60-60 युवाओं ने बताया कि अस्पताल में लंबे समय से मरीजों को बाहर की दवाई लिखी जा रही है। इसके लिए अस्पताल के समीप स्थित मेडिकल दुकान की पर्चियों का उपयोग हो रहा है, जबकि शासन द्वारा मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए अस्पताल परिसर में ही जनौषधि केंद्र खोला गया है और डॉक्टरों को यह भी निर्देश है कि जनौषधि केंद्र की ही दवाई लिखी जाए, लेकिन सरकारी अस्पताल में ऐसा कम ही होता है। वहीं जनौषधि केंद्र सतत मॉनिटरिंग नहीं होने से यहां सदैव दवाइयों का अभाव बना रहता है। एक ही दवाई को दो बार लिख दिया। पार्षद रोहित गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में पदस्थ एक MBBS डॉक्टर द्वारा अपना इलाज करवाने पहुंची एक युवती को चेकअप के बाद प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स की पर्ची दी गई और उस पर एक ही दवाई को दो बार लिख दिया गया। इस संबंध में जब परिजनों व नगर के कुछ युवा जनप्रतिनिधियों ने उक्त MBBS डॉक्टर से बात की तो उनके साथ ही उलझ गए और दुर्व्यवहार किया तथा धमकी दी, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। इसके अलावा अन्य छोटी छोटी बातों को लेकर यदाकदा यहां नवत दस्त डॉक्टरों द्वारा मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें आती रहती है। युवा पार्षद ने चेतावनी दी है कि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जताई नाराजगी। ज्ञापन सौंपने वालों में लोकेश यदु, प्रफुल्ल जन राजा, गिरिजा शंकर उके, गोविंदा राजपूत, चुमन साहू, टामन साहू, लक्ष्मी नारायण सेन, नवनीत अहीर, मनोज बघेल, आशीष कामड़े, राहुल गुप्ता, राजिक बड़गुजर सहित अन्य युवा उपस्थित थे।